हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने देखिए कुछ वॉशिंग पाउडर की एक मैं सीरीज कंटिन्यूसली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने कुछ फोमिंग के, क्लीनिंग के केमिकल्स के बारे में बात की थी। तो फोमिंग के जैसे कई मेरे लोग हैं, व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मेरे से बोला कि फोमिंग में आप और भी क्या क्या केमिकल्स यूज कर सकते हैं, पहले थोड़ा उसके बारे में बताइए, फिर इस सीरीज में आगे भी और क्या क्या हो सकता है, इसके क्या फॉर्मुलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। तो देखिए मैं फोमिंग के कुछ और भी केमिकल्स धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये जैसे आपने देखा होगा ये है AOS, इसको काफ़ी लोग जानते हैं। AOS के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा अभी कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। ये एक तो 38% का होता है इन सॉलिड कंटेंट, और इसका जो वर्क है वो है फोम इंक्रीजिंग का। ये आप स्लरी को कम करके फोम बूस्टर की तरह इसको वॉशिंग पाउडर में यूज कर सकते हो। ये लिक्विड आइटम भी आता है, इसमें पाउडर भी आता है, इसका पेस्ट भी आता है, लेकिन अगर आप इसको लिक्विड भी यूज करोगे तो ये 38% का लिक्विड होता है। और इसको आप डालोगे जब वॉशिंग पाउडर में तो इसका जो फोमिंग होती है वॉशिंग पाउडर की, ये उसको एनहांस कर देता है। बेसिकली ये सपोर्टिंग आइटम है। देखिए एसिड स्लरी के रेट बहुत ज्यादा महंगे हो गए, इनके रेट एसिड स्लरी से हाफ से भी थोड़ा कम होते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है उसमें कुछ फर्क आ जाता है, और जो आपकी फोमिंग है वो भी मतलब काइंड ऑफ आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो जाती है कि वो बरकरार रहती है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होती है, साथ में कॉस्टिंग भी अच्छी हो जाती है। तो देखिए ओवरऑल जो इसका एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाता है। तो आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे पास ये प्रोडक्ट ड्रम्स में मिलेगा आपको, और इसके जो भी आपकी जानकारी चाहिए आपको किन किन कंपनीज का आता है, मेरे पास काफ़ी कंपनियों का ये मिल जाएगा आपको, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं इसके बारे में जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप इसको परचेज करने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम ऋषभ है, मैं हाइड्रा इंडस्ट्रीज से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।